अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अस्सलाम अली। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे के एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। नाइन्थ क्लास का पहले यूनिट का जो है वो 1.3 का जो पार्ट है 2, आज हम वो डिस्कस करेंगे कि आपने एक मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करना है। मेरे एक लेक्चर के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो मैंने जो है वो निकाला हुआ है, उसका लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगा कि आप एक मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको उसकी बेसिक डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स बेसिकली जो टर्म्स जो यूज की जाती है उसके हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर इज व्हाट यू ऐड टू अ नंबर टू क्रिएट अ सम ऑफ जीरो। मींस के एक ऐसा नंबर जिसमें आप कोई ऐसा नंबर ऐड करेंगे कि उसका सम जो है, उसका जो आंसर है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। मींस के अगर मैं आपके सामने एक मिसाल दूं कि हमारे पास एक प्लस फाइव है, एक नंबर है, अगर आपने इसका जो है वो एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो इसका आपने ये देखना है कि व्हाट यू ऐड टू अ नंबर, यानी इसमें क्या चीज ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर है, इसका जो सम है वो जीरो के इक्वल आएगा। तो जरा गौर करें, प्लस फाइव है तो इसमें हम माइनस फाइव ऐड करेंगे तभी तो जो है वो हमारे पास आंसर जो है वो जीरो आएगा, ठीक है। मींस के अगर हमारे पास माइनस फाइव है तो इसमें हम फाइव प्लस ऐड करेंगे तो क्रिएट आंसर जो है वो जीरो आ जाएगा। मींस के अगर हमारे पास माइनस प्लस फोर है सो हम इसमें माइनस फोर ऐड करेंगे तभी तो हमारे पास आंसर जो है वो जीरो आएगा। तो एडिटिव इनवर्स बेसिकली एक ऐसे नंबर को कहते हैं कि आपने उसमें एक ऐसा नंबर ऐड करने से उसका आंसर जो है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। अगर हम अदर वर्ड सिंपल वर्ड्स में अगर इसको देखें तो इसका मतलब है कि आपने हर वो नंबर का एडिटिव इनवर्स, मतलब ये है कि अगर एक नंबर आपको पॉजिटिव में दिया है तो उसको आपने नेगेटिव कर देना है, अगर उसको उसको नेगेटिव गिवन है तो उसको पॉजिटिव कर देना है, यानी उसका इनवर्स ले लेना। ये सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें, ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अगर हम देखें एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स वो कैसे आप डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, ठीक है, जो कि ये है स्केयर रूट थ्री वन माइनस वन स्केयर रूट टू, दैट इज अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स है, ये हम कह रहे हैं 1.3, अगर हम जरा गौर से देखें नाइन्थ क्लास का जो है वो 2 पार्ट है, ठीक है। तो अब गौर से देखें कि इस मैट्रिक्स का आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो एडिटिव इनवर्स मतलब इंटरचेंजिंग द साइंस, ठीक है, आपने उनके साइन को इंटरचेंज कर देना है, उनकी जो एंट्रीज है, ठीक है, इसके अंदर जो एंट्रीज यूज हुई होंगी उसके साइन को इंटरचेंज कर देना है। मींस के अगर वो प्लस में है तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर देना है, अगर वो माइनस में है तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देना है, दैट इज अ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स आप इस तरह से मालूम कर सकते हैं कि आपने उसके अंदर जो एंट्रीज यूज हुई होंगी उसको आपने इंटरचेंज कर देना, उसके साइन को पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। मींस कहने का ये है कि आपने क्या करना है जी, माइनस ए यहाँ पर लिख लेना, मींस कि ये प्लस है तो इसको आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो उसका साइन चेंज कर दिया। सेकेंडली आपने इसका भी जो है वो प्लस में है सो इसको आपने चेंज कर दिया स्केयर, ठीक है, थ्री, इसको आपने माइनस वन कर दिया, इसको आपने पॉजिटिव वन कर दिया और इसको भी आपने नेगेटिव टू स्केयर रूट टू कर दिया, तो दैट इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मैं मिसाल एक और दूं, बी इज इक्वल टू वन टू माइनस थ्री फोर जीरो एट माइनस थ्री फोर एंड माइनस नाइन, ठीक है, सो दैट इज अ मैट्रिक्स। We find this matrix additive inverse. इस matrix का हम जो है वो additive inverse find करते हैं,
तो इस मैट्रिक्स का आप एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? सो माइनस बी इज इक्वल टू, सो दैट इज माइनस वन, माइनस फोर, पॉजिटिव थ्री, माइनस टू, जीरो का, क्योंकि जीरो इज अननोन डिजिट, सो प्लस लगे माइनस लगे डजंट मैटर, इसके साथ कुछ भी नहीं है, माइनस फोर, सो प्लस थ्री, माइनस एट एंड प्लस नाइन, सो दैट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपने किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, सो सिंपली इंटरचेंजिंग द साइन ऑफ दिस एंट्रीज, ठीक है, उसकी एंट्रीज का आपने साइन चेंज कर देना है, दैट इज अ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था एडिटिव इनवर्स। इसके बाद अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उसका लेक्चर मेरी आपको, उसका जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो भी आपको मिल जाएगा, और इसकी भी आपको समझ आ जाएगी कि आपने एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करना है एक मैट्रिक्स का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तब तक के लिए दे इजाजत।